हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आज देखिएगा, आप लोगों के लिए बहुत ही प्यारा सा ये डोरमेट का डिज़ाइन लेकर आई हूँ। और इसको बनाना बहुत ही आसान है। देखिएगा, यहाँ पर मैंने इसको फ्लावर स्टाइल में बनाया है। बहुत सुंदर दिखाई देता है बनने के बाद। और देखिएगा, यहाँ पर इसको मैंने तीन कलर के साथ बनाया है, ये ग्रीन, काही और पिंक कलर लिया है मैंने। और इसके साथ इसको हमने राउंड शेप में बनाया है। और इसमें देखिएगा, मैंने 9 पत्तियां बनाई हैं, यानी कि 9 पत्तियों में हम इसको डोरमेट को बनाएंगे। बहुत ही सुंदर दिखाई देता है। और इसके लिए देखिए, यहाँ पर हमें 2 के मल्टीपल से फंदे रखने होंगे, यानी कि जोड़े के हिसाब से आपको फंदे रखने हैं। मैंने इसे यहाँ पर 24 फंदों से बनाया है। आप चाहते हैं तो ज्यादा फंदों से भी बना सकते हैं। यहाँ पर देखिएगा, इसको बनाने के लिए यहाँ पर मैंने, जैसे कि मैंने आपको बताया, 3 कलर की वूल ली है और 9 नंबर की यहाँ पर मैंने नीडल ली है। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करेंगे और इस डोरमेट को बनाना सीखेंगे। डोरमेट पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। यहाँ पर आपको मेरे चैनल पर इसी तरह के नए नए डोरमेट के डिजाइन देखने को मिलते हैं। और इस डोरमेट को आप, ये डिजाइन आप डोरमेट में बना सकते हैं, इसे थालपोश की जगह यूज कर सकते हैं या टेबल मैट की जगह भी यूज कर सकते हैं। तो चलिए जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करेंगे और इस डोरमेट को बनाना सीखेंगे। इसके लिए देखिए, हम यहाँ पर ये 3 कलर की वूल लेंगे। ये देखिएगा, मैं आपको नजदीक से दिखा देती हूँ। ये 3 कलर लिए हैं मैंने, ग्रीन है, ये काही है, ग्रीन है और ये पिंक कलर लिया है। और 9 नंबर की यहाँ पर नीडल ली है। तो सबसे पहले हम देखिएगा, ये जो हमने लाइट कलर लिया है, ग्रीन लिया है, इसके साथ में यहाँ पर फंदे डालूंगी। तो सबसे पहले हम फंदे डाल लेते हैं। देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। तो देखिएगा, फंदे हम यहाँ पर बिल्कुल सिंपल डालेंगे। यहाँ पर देखिएगा, नॉट लगाएंगे। तो एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ, नौ, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24। हमने यहाँ पर देखिए टोटल 24 फंदे डाले हैं। देखिए एक बार फिर से आपको दिखा देती हूँ। देखिएगा, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 और ये 3, 24 फंदे हो गए हैं। अब देखिएगा, डिजाइन की पहली सिलाई को देखिएगा, इसको हम पूरा ऐसे उल्टा बनाएंगे। आपको बहुत ध्यान से बनाना है इस वाली सिलाई को, क्योंकि जब हम ये वाले फंदे डालते हैं तो हमें बहुत ध्यान से वाली सिलाई बनानी है। ये देखिएगा, इस तरह से करते हुए पूरी सिलाई को हम यहाँ पर उल्टा ही बनाएंगे। और राइट साइड से ये सिलाई आएगी, यानी कि ये जो हमारी पहली सिलाई आएगी ये हमारी राइट साइड से है। ध्यान से देखिएगा आप लोग, ये देखिएगा, आपको फंदों को बहुत ध्यान से बुनना है। ये डोरमेट हम यहाँ पर 24 फंदों पर बना रहे हैं। तो यहाँ पर देखिएगा, इस तरह से पूरी सिलाई को इसमें ऐसे ही बनाएंगे। ये देखिएगा, लास्ट तक मैंने सभी फंदे इसमें बुन लिए हैं। ये देखिए, अब आ जाते हैं यहाँ पर उल्टी सिलाई में। तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, अब एक फंदा बगैर बुना उतारेंगे और यहाँ से काउंट करते हुए देखिएगा, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, यानी कि हाफ फंदे हमने बुन लिए, 12 फंदे बना लिए। अब यहाँ से हम इसमें कलर ऐड करेंगे। तो जो मैंने काही कलर आपको दिखाया था, देखिएगा, उसको मैं यहाँ पर लगाने वाली हूँ। ये देखिएगा, यहाँ से हम इसे काही कलर को लगा लेंगे, यानी कि डार्क ग्रीन है, इसको हम यहाँ से ऐड करते हुए। अब देखिएगा, यहाँ से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 फंदे हम यहाँ पर बना लेंगे। 2 फंदे हम यहाँ पर बगैर बुने छोड़ देंगे। ये देखिएगा, अब सीधी साइड में जो जैसा नजर आएगा ऐसे ही बनाएंगे, यानी कि ये हमारे देखिएगा
10 फंदे हमने ये काही से बनाए हैं, तो ये इसी से बना लेंगे। धागे को ऐसे पीछे ले जाएंगे, क्रॉस करके ये वाला धागा लाएंगे, ग्रीन कलर का धागा। और इसके साथ हमने देखिएगा जो 12 फंदे थे हमें वो बनाने हैं, तो 12 फंदों में से हम 11 फंदे तो उल्टे ही बनाएंगे और लास्ट के फंदे को सीधा बना लेंगे। तो यहाँ से ध्यान से देखिएगा आप लोग, ये लास्ट का फंदा सीधा बनाएंगे। अब फिर से देखिएगा उल्टी सिलाई में आ गए हैं, तो यहाँ पर एक फंदा बगैर बुना उतारेंगे और यहाँ से पहले हमने 12 फंदे बनाए थे, अब हम यहाँ पर देखिएगा 10 फंदे बनाएंगे। देखिएगा ध्यान से, ये धागे को मैंने इसमें ऐड कर लिया है, यानी कि जो भी धागे हैं आपको वो इस तरह से सिक्योर करने हैं, ये देखिएगा। तो यहाँ से हम टोटल 10 फंदे ग्रीन से बनाएंगे, ये देखिए इस तरह से हमने 10 फंदे बना लिए। अब यहाँ से 2 फंदे हम काहे से कर देंगे और फिर से हमारे यहाँ पर देखिएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 फंदे काहे से आ जाएंगे, 2 फंदे बगैर बुने छोड़ देंगे, सीधी साइड में आ जाएंगे। सीधी साइड में देखिएगा फिर से हमें जो फंदे जैसे हैं ऐसे ही बनाने हैं, ये देखिएगा जो फंदे काहे के हैं वो काहे से बनाएंगे और जो फंदे ग्रीन के हैं वो ग्रीन से बनाएंगे। देखिए यहां से इस तरह से, और यहां से फंदों को उल्टा बनाते हुए जाएंगे और लास्ट के फंदे को सीधा बना लेंगे। अब आ जाते हैं उल्टी सिलाई में, आप देखिएगा क्या करेंगे। अब हमें यहाँ से सारे फंदे ग्रीन से बनाने हैं, तो देखिएगा यहाँ से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18 फंदे हमने देखिएगा ग्रीन से बना लिए, 2 फंदे यहाँ पर बगैर बुने छोड़ देंगे, सिलाई को टर्न करेंगे और सीधी साइड में देखिएगा अब हमारे सारे फंदे ग्रीन के हैं, ग्रीन से बना लेंगे। ये देखिएगा इस तरह से फिर से हमें ग्रीन से बनाते हुए जाना है फंदों को, और देखिएगा लास्ट के फंदे को सीधा ही बनाना है, बाकी के फंदे हम जो बना रहे हैं वो उल्टे ही बना रहे हैं, लास्ट के फंदे को सीधा बनाएंगे। तो इस तरह से सीधी साइड में कुछ नहीं करना होता, जो फंदे जैसे होते हैं ऐसे ही बनाने होते हैं। अब देखिएगा आ गया हूँ उल्टी सिलाई में, अब ध्यान से देखिएगा आप लोग, यहाँ से एक फंदा बगैर बुना उतारेंगे और 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 फंदे हम ये ग्रीन से बना लेंगे। अब हम यहाँ पर देखिएगा अपना एक और कलर ऐड करेंगे, ये जो मैंने पिंक कलर लिया था इसको यहाँ पर मैं लगा लूंगी, देखिएगा इस तरह से, ये देखिएगा। और यहाँ से अब हम 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 फंदे हम ये देखिएगा पिंक से बना लेंगे। अब देखिएगा हमें यहाँ पर ये 2 फंदे छोड़ने थे, लेकिन हम यहाँ पर ये फंदे छोड़ेंगे नहीं, इन्हें 2 फंदों को हम ग्रीन से बनाएंगे। ये देखिएगा ध्यान से देखिएगा, हमने कोई भी फंदा यहाँ पर बगैर बुना नहीं छोड़ा है, ये हमारे पहले फंदे हैं जो हमने पहले छोड़े थे। अब यहाँ से देखिएगा जो जैसा ऐसे बनाएंगे, 2 फंदे हमारे ग्रीन के हैं ग्रीन से बना लेंगे और 8 फंदे यहाँ पर पिंक के हैं तो हम पिंक से बनाएंगे। और 8 ही फंदे हमारे यहाँ पर ग्रीन के हैं तो ग्रीन से बनाएंगे।
लास्ट के कुंडे को सीधा बनाएंगे। अब देखिएगा, बहुत ध्यान से देखना है आप इस सिलाई को, देखिएगा ध्यान से देखें। एक फंदा बगैर बुना उतारेंगे और यहां से 6 फंदे हम ग्रीन से बनाएंगे और ये 2 फंदे पिंक से करते हुए देखिएगा, यहां से 1 2 3 4 5 6 7 8 फंदे बना लेंगे। और यहां पर देखिएगा, हमें 4 फंदे छोड़ देने हैं, यानी कि पहले हमने ये फंदे नहीं छोड़े थे, अब इस सिलाई में हम ये 4 फंदे यहाँ पर छोड़ देंगे। ध्यान से देखना है आपको, ये देखिएगा इस तरह से। अब यहीं से वापस हो जाएंगे और जो जैसा नजर आएगा ऐसे ही बनाएंगे। देखिएगा उल्टी सिलाई। अब यहां से हम 4 फंदे बनाएंगे ग्रीन से और 2 फंदे ये पिंक से करते हुए फिर से हम यहाँ पर 8 फंदे पिंक से बना लेंगे, यानी कि लास्ट में 2 फंदे बगैर बुने छोड़ देंगे। ये देखिएगा, यहीं से वापस हो जाएंगे और सीधी साइड में जो फंदे जिस कलर के उसी कलर से बनाएंगे। उल्टी सिलाई देखिएगा, 2 फंदे ग्रीन से बनाएंगे और यहाँ पर ये 2 फंदे पिंक से करते हुए टोटल 8 फंदे पिंक से बनाएंगे और लास्ट में 2 फंदे बगैर बुने छोड़ देंगे। अब सीधी साइड में जो फंदे जिस कलर के नजर आएंगे उसी कलर से बनाएंगे। तो यहाँ पर देखिएगा, इस तरह से हमारी हाफ पत्ती कंप्लीट हो गई। और यहाँ पर देखिएगा, पत्ती को हम ऊपर की साइड बनाते हुए जा रहे थे, अब हमें पत्ती को नीचे की साइड लेकर जाना है, यानी जो फंदे हमने छोड़े थे हमें उन्हें ऐड करना है। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा देती हूँ, देखिए 2 4 6 8 10 12 14 फंदे हमने यहाँ पर छोड़ दिए हैं और यहाँ पर हमारे देखिएगा 3 6 9 10 फंदे हैं। तो अब ध्यान से देखिएगा क्या करेंगे, यहाँ से 2 फंदे तो हम ग्रीन से बनाएंगे, 2 फंदे और ग्रीन से बना लेंगे और यहाँ से 8 फंदे हमें पिंक से बनाने हैं, यानी कि हर बार हमें 2 2 फंदे ऐड करने हैं। ये 2 फंदे ऐड करते हुए टोटल 8 फंदे हम पिंक से बनाएंगे। अब सीधी साइड में फिर से जो जैसा है ऐसे ही बनाते हुए सिलाई को कंप्लीट करेंगे। उल्टी सिलाई देखिएगा, यहाँ से अब हम 4 फंदे ये वाले ग्रीन के बनाएंगे और 2 फंदे और बना लेंगे, तो टोटल 6 फंदे ग्रीन से बनाएंगे और यहाँ से पिंक से बनाते हुए जाएंगे और हमें यहाँ पर भी पिंक के 8 फंदे बनाने हैं, यानी कि 2 फंदे इसमें ऐड करेंगे। ये देखिएगा, तो यहाँ पर गैप है, गैप को भरने के लिए देखिएगा हम यहाँ से 1 फंदा ये उठाएंगे और 1 फंदा ये उठाएंगे, तो 2 फंदे हमने उठाए हैं, तो यहाँ से 3 फंदों का एक करेंगे और 1 फंदा ये बना लेंगे। तो इस तरह हमने 2 फंदे ऐड कर लिए। अब सीधी साइड में जो जैसा है ऐसे ही बनाएंगे। अब उल्टी सिलाई देखिएगा, अब हम यहाँ से 8 फंदे बनाएंगे ग्रीन से। और 8 ही फंदे हमें पिंक से बनाने हैं, यानी कि 2 फंदे हमें ऐड करने हैं। यहां से देखिएगा गैप को भरने के लिए 1 और ये 2 फंदे उठाएंगे और यहां से 3 फंदों का एक कर देंगे, 1 फंदा हम ये बना लेंगे। ये देखिएगा इस तरह से, यहीं से वापस हो जाएंगे। और देखिएगा, ध्यान रखिएगा, आपको ऐसे धागों को इस तरह से कर लेना है ताकि यहाँ पर होल नहीं बने। यहाँ से इस तरह से क्रॉस करते हुए हम जो फंदे जैसे कलर के नजर आएंगे ऐसे बनाएंगे। अब देखिएगा उल्टी सिलाई में, अब हम फंदे ग्रीन से बनाएंगे, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 18 फंदे हम यहाँ पर ये बना लेंगे, यानी कि 2 फंदे हमने ये ऐड कर लिए हैं। अब यहीं से वापस हो जाएंगे और ये फंदे भी हम ग्रीन से बनाते हुए सिलाई को कंप्लीट कर लेंगे। अब उल्टी सिलाई देखिएगा, अब यहाँ से हम ग्रीन से 10 फंदे बनाएंगे और यहां से देखिएगा ये काही कलर लगाते हुए यहां से देखिएगा हम यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7
आठ और दो फंदे इसमें ऐड करेंगे तो देखिएगा यहाँ पर भी गैप ज्यादा है, तो एक फंदा हम यहाँ से उठाएंगे और एक फंदा हम यहाँ से उठाएंगे। दो फंदे हमने उठा लिए तो यहाँ तीन का एक कर देंगे और एक फंदा ये बना लेंगे। तो टोटल हमारे यहाँ पर देखिएगा 3, 6, 9, 10 फंदे काय के हो गए हैं। यहीं से वापस हो जाएंगे और देखिएगा सीधी साइड में जो जैसा नजर आएगा ऐसे बनाएंगे। अब देखिएगा यहाँ पर 12 फंदे हम ग्रीन से बनाएंगे। यानी कि ये दो फंदे हम यहाँ पर ग्रीन से कर लेंगे। अब यहाँ से देखिएगा काहे से फिर से हमें 10 फंदे बनाने हैं, यानी कि 8 फंदे हमारे ये हैं और दो फंदे इसमें और ऐड करेंगे। ये देखिएगा यहाँ से दो फंदे उठाएंगे, एक ये फंदा उठाएंगे, एक ये फंदा उठाएंगे और तीन का एक कर देंगे, एक फंदा और ये बना लेंगे। यहीं से वापस हो जाएंगे और सीधी साइड में जो फंदे जिस कलर के नजर आएंगे ऐसे ही बना लेंगे। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से, अब देखिएगा अब हमें पूरी सिलाई यहाँ पर ग्रीन के साथ बनानी है। तो यहाँ से हमें लास्ट तक ग्रीन से फंदे बनाने हैं। देखिएगा यहाँ पर हमारे दो फंदे ऐड करने से रह गए हैं तो ये हम इसी में ऐड करेंगे। ये देखिएगा यहाँ से सारे फंदे भी, जितने भी काहे के फंदे हैं ये भी हम ग्रीन से बनाते हुए सारे फंदे ग्रीन से बना लेंगे। ये देखिएगा यहाँ से एक फंदा उठाएंगे अब हम और ये दो का एक कर देंगे और यहाँ से ये एक फंदा भी बना देंगे। सीधे साइड में जो फंदे देखिएगा हमारे जैसे नजर आएंगे, यानी कि ये ग्रीन से हैं तो ये ग्रीन से ही बना लेंगे। अब हमारी ये वाली रो ये स्टार्ट हो गई है देखिएगा, यानी कि हमारी एक पत्ती यहाँ पर कंप्लीट हो गई है। फिर से हम यहाँ से यहाँ तक सिलाइयों को रिपीट करेंगे। तो मैं आपको दिखाती हूँ ये कितनी पत्तियों में मैंने बनाया है। तो यहाँ पर देखिएगा इस तरह से मैंने इसको कम्प्लीट कर लिया है और ये टोटल 9 पत्तियों में मैंने इसको बनाया है। आप चाहें तो 8 पत्ती में ही बना सकते हैं, लेकिन 8 पत्ती में झोल आ सकता है। तो मैंने यहाँ पर 9 पत्ती में इसको कंप्लीट किया है। अब हम यहाँ पर देखिएगा इसके फंदे बंद करेंगे और इसकी सिलाई करना सीखेंगे। तो हमने देखिएगा यहाँ दोनों धागों को कट कर दिया है, पिंक और काही को, और यहाँ पर सिक्योर कर दिया है। अब सारे फंदे हम ग्रीन के साथ बंद करेंगे। तो यहाँ से देखिएगा एक इस एक फंदे को बनाते हुए अब हम यहाँ से सारे फंदे दो का एक कर देंगे। लास्ट तक हमें यहाँ पर इसी तरह से सारे फंदे बंद कर देने हैं। तो यहाँ पर देखिएगा मैंने सभी फंदे बंद कर दिए हैं। अब यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, चलिए हम यहीं से पहले होल को भर लेते हैं, इसके बाद हम आगे की सिलाई करेंगे। देखिएगा इस तरह से यहाँ पर धागे को डाल लेंगे इससे हमारा होल भर जाए। देखिएगा इस तरह से यहाँ पर ऐसे। अब इसके बाद यहाँ से यहाँ तक मिलाते हुए हमें सिलना है इसको, बिल्कुल सफाई के साथ आपको सीना है। देखिएगा यहाँ से ध्यान से देखिएगा आप लोग, इस तरह से हमें यहाँ से पहले धागे को यहाँ से पक्का कर लेना है अच्छे से, ये देखिएगा। और इसके बाद हमें यहाँ से सिलाई करनी है इसकी, ये देखिएगा बिल्कुल मिलाते हुए आपको ग्रीन के कलर को ग्रीन के साथ मिलाते हुए सीना है, ये देखिएगा। तो इस तरह से मैं यहाँ तक सिल देती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पर देखिएगा इस तरह से मैंने इसको सिलकर कंप्लीट कर लिया है। बहुत ही प्यारा और सुंदर दिखाई देता है। देखिएगा मैं आपको नजदीक से दिखा देती हूँ, बहुत ही प्यारा सा है ये डिजाइन। इसको आप जरूर ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक भी दिया करें कि आपको मेरे डोरमेट के डिजाइन कैसे लगते हैं। अगर पसंद आते हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बराबर में बेल आइकन का बटन है उसे प्रेस कर लें ताकि मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। नेक्स्ट वीडियो में फिर से एक नए डोरमेट के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।